तो तराड़ी पोर्ट जाने का जो रास्ता है यहाँ से करीब करीब है 15 मिनट का, 7.7 किलोमीटर। वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल। सो गाइस, यू कैन सी वेयर आई एम राइट नाउ। देखिए, इस वक्त मेरे ठीक पास में समुंदर। बाइक कैसे लगा, मस्त फोटो ले जाओ। ये बोट है बहुत ही छोटी है, जिसमें बाइक्स भी है, लोग भी है, कहीं ओवर वेट से कुछ गड़बड़ ना हो जाए। एक्टिवा चढ़ गया तो KTM 390 क्यों नहीं। तो अब भी जो है गूगल मैप मुझे धोखा दे रहा है, रास्ता लेफ्ट साइड बता रहा है, लेकिन ये प्रॉपर नहीं है इतना मुझे पता है। बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी और बहुत ही लाजवाब सारा नाश्ता था यहाँ पे। रास्ते बहुत अच्छे बनने चाहिए, बिकॉज वी आर पेइंग देम द हाईएस्ट टैक्स। हर हर शंभू शंभू महादेवा शंभू। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज जो है गोकर्णा में मेरा डे टू है, और मैं और दिनेश भाई आज गोकर्णा से निकल के सीधे बढ़ रहे हैं पालोलियम बीच के लिए, जो कि करीब करीब दिनेश भाई इस वक्त तक उनके रॉयल एनफील्ड पे रेडी है। सो नाउ वी आर लिविंग फॉर, यस, चलो लेट्स गो। तो अब जो है हम यहाँ से निकल रहे हैं सीधे गोकर्णा से पालोलियम बीच, और उस दरमियान पालोलियम बीच जाने से पहले एक शंकर भगवान का बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर है गोकर्णा में, बहुत ही भव्य प्रतिमा है। तो उसके दर्शन के लिए करीब करीब 80 किलोमीटर का एक रास्ता है, बट उस रास्ते को शॉर्ट किया जा सकता है। जैसा कि मैंने यहाँ कर लोगों से इन्फॉर्मेशन ली थी, उन्होंने हमें एक बहुत ही खूबसूरत से आइडिया दी थी, और वो आइडिया ये है कि यहाँ से हम अपनी बाइक को एक तदाड़ी पोर्ट करके, एक पोर्ट है जिस पोर्ट पर हम अपनी बाइक को लेके जाएंगे, वहाँ से एक बोट मिलती है जिसमें हम अपनी बाइक को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और उस बोट से तदाड़ी पोर्ट से दूसरी तरफ जिस जगह पे जाना है, उसका नाम अब मुझे मुंह पे याद नहीं, क्योंकि यहाँ पे सारे नाम जो होते हैं थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं प्रोनाउंसिएशन में, पर मैंने अपने मोबाइल में वो नाम सेव किया है। उस तरफ हम दूसरी जेटी पे उतरेंगे, और वहाँ से जो है सिर्फ 10 से 15 किलोमीटर की बाइक राइड है, और हम जो है शंकर भगवान के मंदिर में पहुँच जाएँगे। तो 80 किलोमीटर की जो राइड थी उसको हमने करके सीधा कर दिया है 15 से 20 किलोमीटर मैक्स। तो ये एक शॉर्टकट हमने इस बार दिमाग लगाया है। तो तराड़ी पोर्ट जाने का जो रास्ता है यहाँ से करीब करीब है 15 मिनट का, 7.7 किलोमीटर, और बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। जैसे कि आप देख सकते हो दोनों तरफ हरियाली, और इस बीच से होते हुए हमारी बाइक लेके निकल रहे हैं यहाँ पे। वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल। सो गाइस, यू कैन सी वेयर आई एम राइट नाउ। इट्स अ वंडरफुल प्लेस ओवर हियर, ब्यूटीफुल। क्या कहूँ मैं, स्पीचलेस। हर बार स्पीचलेस हो जाता हूँ जब मैं किसी ऐसे ब्यूटीफुल खूबसूरत से दृश्य को देखता हूँ। देखिए, इस वक्त मेरे ठीक पास में समुंदर, और समुंदर के किनारे से होते हुए मैं अपनी बाइक को राइड करते हुए रनिंग टूवर्ड्स तदाड़ी पोर्ट। इट्स अ माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस। तो फेरी जो है अगली वो 20 मिनट के बाद की है, तो 20 मिनट वी हैव टू वेट फॉर इट। बाइक को ऐसे लगाओ, मस्त फोटो लेते आओ। बाइक को ऐसे लगाओ, हाँ फोटो लेते आओ ना। फेरी जो है टटाटा पोर्ट पे आ चुकी है। अब जो है हम अपनी बाइक्स को इसमें डालेंगे, और अग्नाशिनी जो अगला हमारा स्टॉप है, अगली तरफ अगले किनारे पे अग्नाशिनी पे जाना है, और अग्नाशिनी पोर्ट से जो है हमें जाना है तुमका सिटी करके कुछ नाम है, और वहाँ से मरुडेश्वर टेंपल, जो कि मैंने आपको कहा था कि शंकर भगवान का बहुत ही भव्य मंदिर है, तो वहाँ पे जाएंगे। तो ये है हमारा अगला पड़ाव। बोट की साइज बहुत ही छोटी लग रही है, और ऐसा लग रहा है कि बाइक्स के साथ हम जा पाएंगे। हाँ, जा तो पाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारी बाइक्स आ भी रही है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि पिछली बार जब हमने कोंकण राइड की थी, तो उस राइड के दरमियान जो बोट थी वो बहुत बड़ी बोट थी, और उसके कंपेयर में जो ये बोट है बहुत ही छोटी है, जिसमें बाइक्स भी है, लोग भी है, कहीं ओवर वेट से कुछ गड़बड़ ना हो जाए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, थोड़ा तो एडवेंचर मस्ती धमाल करेंगे, तभी तो ट्रिप में मज़ा भी आती है। आई एम सो मच एक्साइटेड, तो इस एडवेंचर को लेकर बहुत ही एक्साइटेड है, जैसा कि मैं देख सकता हूँ। चलिए अब चलते हैं अंदर। यार, इतनी बड़ी बाइक को अंदर डालना निकालना एक टेंशन वाला काम लगता है मुझे। ओहो, एक्टिवा चढ़ गया तो KTM 390 क्यों नहीं।
बाइक अंदर लेके बाइक को घुमाना भी। एक्चुअली ये जो ट्रिक है साइड स्टैंड को लगा के उसके ऊपर पूरा वेट डाल के पूरा बाइक आप इसे 360 डिग्री पे रोटेट कर सकते हो, ये टेक्निक है। पर ये टेक्निक कभी आज तक मैंने भी इस्तेमाल नहीं की है, पता नहीं आज मैं कैसे कर पाऊँगा। और बाइक का वेट जो है बहुत हैवी होता है और इसे थोड़ी बहुत भी 19-20 करने में आपकी कमर के बैंड बच सकती है। एक्टिवा को इस तरीके से करना बहुत आसान है। पर तो दोस्तों करीब करीब 15 मिनट के राइड के बाद में हम सीधे आ चुके हैं अग्नाशिनी। आप देख सकते हो ये अग्नाशिनी पोर्ट है। तो मैंने सोचा पहले पब्लिक को सबको बाहर जाने दूँ, और क्योंकि मेरा बाइक सबसे ज़्यादा बड़ा है और हैवी है तो मैं इसे ऐसे निकाल भी नहीं पाऊँगा। तो मैं ये सोचा हूँ कि सबसे पहले पब्लिक को यहाँ से बाहर जाने दूँ, फिर सबसे लास्ट में दूसरे बाइकों को बाहर जाने दूँ, और उससे भी लास्ट में जो होगा मैं अपने बाइक को यहाँ से घुमा के निकाल पाऊँगा। अदरवाइज़ ये मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा इसे यहाँ से निकालना। So let's go. Wow. Amazing. तो ये थी आज के दिन की शुरुआत की सबसे पहली एडवेंचर राइड, एडवेंचर KTM 390 के ऊपर। तो अब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, फिर से एक बार लोकेशन डालना पड़ेगा और फिर दिनेश भाई के साथ हम आगे बढ़ेंगे। दिनेश भाई एक बार साइड में लगाते हैं, लोकेशन डालते टुमका सिटी का लोकेशन डालते, फिर आगे बढ़ते अपन। काफ़ी सालों से मेरी इच्छा थी कि मैं गोकर्णा जाऊं। पहले जब मैं गोवा आता था तो काफ़ी फॉरेनर दोस्त थे मेरे यहाँ पे, उनसे बात करता था तो वो मुझे ये कहते थे कि हम लोग जो है जब इंडिया आते हैं तो पहले हम गोकर्णा जाते हैं, गोकर्णा 10-15 दिन स्टे करते हैं, फिर हम लोग जाते हैं पालोलेम बीच में बहुत स्टे करते हैं, फिर वहाँ से जाते हैं आरम्बोल बीच, और वहाँ से फिर जो है या तो ये लोग राजस्थान की तरफ चले जाते थे या फिर ये लोग चले जाते थे सीधे ऋषिकेश की ओर। पर कभी ऐसा मेरे लिए मुमकिन हो ना सका। तो इस बार जो मेरा गोकर्णा आने का सपना था एनी हाउ समहाउ जैसा भी कहूँ मैं पूरा हो पाया, और जो क्रेडिट है पूरा जाता है दिनेश भाई को। तो अब भी जो है गूगल मैप मुझे धोखा दे रहा है, रास्ता लेफ्ट राइट बता रहा है लेकिन ये प्रॉपर नहीं है इतना मुझे पता है, कुछ तो भी गड़बड़ है। अभी भी मुझे आगे जाके किसी को पूछना पड़ेगा। मुरुडेश्वर टेम्पल गूगल में लेफ्ट दिखा था बार बार ऐसा सीधा स्ट्रेट रोड स्ट्रेट स्टार्ट टू एंड। कितना किलोमीटर है इधर से? 15 किलोमीटर 15 किलोमीटर कुमटा सिटी जाने का पहले सिटी से राइट। ओके तो अब जो है गूगल मैप को मैं फॉलो नहीं करने वाला हूँ, जैसा मैंने इनसे पूछा अभी जैसा कहा वैसा ही मैं राइड करूंगा। चलो गूगल मैप को छोड़ो, अब ऐसे चलते हैं। रोडिंग का पहला नियम है कि बाइक पे खड़े हो जाओ, इसको सेडलिंग करो ताकि आपके बैक के ऊपर झटके ना लगे। एक और बात अच्छी हुई दिनेश भाई को कल मैंने कहा कि भाई साहब बैक के ऊपर एक बेल्ट पहन लिया करो जब भी आप बाइक राइड करते हो, तो उन्होंने बात मान ली और तुरंत ही हम एक मेडिकल स्टोर में गए थे कल गोकर्णा में, जहाँ जाके एक वेस्ट बेल्ट हमने ले लिया जिसे कि लूमर बेल्ट कहते हैं। बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों जब आप लॉन्ग राइड पे जाते हो, लूमर बेल्ट पहनने से आपके बाइक के ऊपर ज़रा भी कोई झटका नहीं आता और आप 8-10 घंटे 12 घंटे तक नॉन स्टॉप बाइक राइड कर सकते हो। कुमटा सिटी आप देख सकते हो कुमटा सिटी, और यहाँ की रेस्टोरेंट है भावेश सुभाष रेस्टोरेंट है। यहाँ पर जो है आज ब्रेकफास्ट करेंगे, मुझे पता नहीं क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, बट अब और कोई ऑप्शन भी नहीं क्योंकि यहाँ से जो टेम्पल है अभी भी 1 घंटे का रास्ता है। तो और कहीं ऑप्शन मिले ना मिले इससे अच्छा मैंने सोचा यहीं पे आज चाय कॉफ़ी जो भी हमें लेना है हम ले लेंगे यहाँ पे। लेट्स गो इनसाइड। तो दोस्तों देख लीजिए सुभाष होटल कुमटा, बहुत यम्मी बहुत टेस्टी और बहुत ही लाजवाब सारा नाश्ता था यहाँ पे। हमने यहाँ पे जो है डोसा खाया, यहाँ पे हमने इडली, यहाँ पे हमने और ज़बरदस्त बहुत ही टेस्टी चाय थी, तो चाय हमने 2-2 कप पी है, और साथ ही हमने यहाँ पे इडली के साथ वड़े खाए। तो कुल मिला के सब कुछ बहुत यम्मी बहुत टिपिकल साउथ इंडियन टेस्ट है यहाँ पे। और जब इनके ओनर से मेरी बात हुई तो इन्होंने मुझे बताया कि सर ये हमारी जो होटल है ये 60 वर्ष पुरानी होटल है और 60 साल से हम यही नाश्ता यहाँ पर लोगों को कराते हैं।
तो क्या कहूँ मैं, बस स्पीचलेस हो जाता हूँ जब ऐसी किसी पुरानी और इतनी ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको प्रॉपर साउथ इंडियन टेस्ट वाला फूड और बहुत ही रिजनेबल सारा कुल मिला के 180 रुपए के बिल में आपने इतना सब कुछ मिल जाए। बुढ़ेश्वर टेम्पल स्ट्रेट ना ओके। दोस्तों कर्नाटक और गोवा में एक बात मैंने देखी कि रास्ते जो है इतने ज़बरदस्त है कि आपको ये समझ में नहीं आएगा कि आप बाइक चला रहे हो कि कार चला रहे हो, इतना कंफर्ट है, ज़रा सा भी जर्क नहीं लगता। आप देखिए ये रास्ता पे देखिए कितना ब्यूटीफुल क्लीन नीट और कितना स्मूथली से बनाया गया है, इतना ज़बरदस्त मज़ा आ रहा मुझे ऐसे रोड के ऊपर बाइक चलाते हुए जाके अपनी मंजिल की ओर बढ़ने का, मैं आपसे क्या कहूँ। इट्स रियली अ वेरी माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस और मैं समझता हूँ कि दूसरे स्टेट की गवर्नमेंट को भी ये समझना चाहिए कि रास्ते बहुत अच्छे बनने चाहिए बिकॉज वी आर पेइंग देम द हाइएस्ट टैक्स ओके। और इतना टैक्स पे करने के बाद में भी अगर आपके नेशनल हाईवे इतने अच्छे नहीं हैं तो फिर क्या मतलब। तो बहुत खुश हूँ मैं यहाँ की सरकार से भी इतने खूबसूरत रास्तों को बनाने के लिए, तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। सो लास्टली भटकते भटकते हम जो है मुरुडेश्वर टेम्पल पहुंच ही गए हैं। तो देख लीजिए इसका एंट्रेंस गेट, महातबार श्री मुरुडेश्वर खेतरा ऐसा कुछ नाम लिखा है इस टेम्पल का और यहां से हम एंटर कर रहे हैं। मुझे लगता है करीब करीब 50 से 60 मिनट लगी फेरी से उतरने के बाद यहां पहुंचने तक, और बहुत ही कंफ्यूजन से भरा रास्ता था। बट लास्टली आई एम सो हैप्पी दैट वी हैव रीच्ड टू द प्लेस वेयर वी वांटेड टू गो। जैसा कि मैंने सुना है कि बहुत ही चमत्कारी, बहुत ही अद्भुत और बहुत ही प्राचीन मंदिर है। पूरी जानकारी लूँगा और मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा इस मंदिर के बारे में, और वीडियो के दरमियान भी बोलूँगा पर लेकिन मुझे अभी तक किसी को जानकारी नहीं है तो अभी बोलना जो है वो गलत हो जाएगा। मंदिर के पास पहुँच के पूरी जानकारी लेके मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली कितने हज़ारों साल पुराना ये मंदिर है और क्या इसकी विशेषता है। और फिलहाल चलते हैं ये अंदर की ओर। अगर आपको दिख रही है इस कैमरे में ही तो मैं देखना चाहता था, वाओ सुपर, ओम नमः शिवाय, शंकर भगवान की जय, हर हर शंभु शंभु शिव महादेवा शंभु। दोस्तों मैं आ चुका हूँ महामुरुडेश्वर, यहाँ शंकर भगवान के समक्ष इस वक्त में हूँ। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं इस टेम्पल को लेके। काफ़ी समय से मैं ऐसे यूट्यूब पे देखता था, फोटोग्राफ्स में देखता था, और आज पहली बार ऐसा होगा कि मैं खुद यहीं पे शंकर भगवान के चरणों में उनके आशीर्वाद लेने अपने खास दोस्त दिनेश के साथ में। तो यहाँ आने का जो सपना था वो मेरा दिनेश के साथ ही लिखा हुआ था। तो चलो हम दोनों की ये जर्नी आज की सफल रही, आगे जाएंगे हम दर्शन करेंगे सबसे पहले और कुछ अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स और वीडियो निकालेंगे यहाँ पे ताकि लाइफ टाइम के लिए एक बहुत ही खूबसूरत मेमोरी हमारे पास हो जाए। ये मंदिर का प्रांगण, मंदिर की इमारत बहुत ही प्राचीन और बहुत ही भव्य लग रही है। वाओ, पार्किंग इधर ओके। हेलो भाई साहब, जबरदस्त जबरदस्त नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, अद्भुत की शक्ति से कितना प्राचीन है, कितना प्राचीन और कितना विशाल, क्या बनाया वो, बनाने वालों की बात करो सही में, बनाई है उसकी तारीफ करो हकीकत में, और बनाने वाले मतलब भगवान का उनको इतना आशीर्वाद था कि इतनी महान मुहूर्त या इतना बड़ा टेम्पल जो स्ट्रक्चर बनाया और बिना आर्किटेक्ट उस जमाने का बना होगा ये, यस बनाया माइंड ब्लोइंग, पहली बार लाइफ में ऐसा टेम्पल देख रहा हूँ, फर्स्ट टाइम इन लाइफ। सो इस वक्त मंदिर में हम एंटर कर चुके हैं।